हेलो दोस्तों, लेके आ चुके हैं एक और नई वीडियो और एक नया अपडेट। तो दोस्तों, अपडेट निकल के आ रहा है यामाहा कंपनी की तरफ से। यामाहा कंपनी के चेयरमैन ने एक इंटरव्यू के दौरान यह कंफर्म किया है कि यामाहा कंपनी वर्क कर रही है अपने न्यू अपकमिंग मॉडल पे। और यामाहा कंपनी का यह न्यू अपकमिंग मॉडल बेसिकली अपग्रेडेड नेक्स्ट जनरेशन का वर्जन है यामाहा RX 100 का, जो कि हो सकता है यामाहा RX 155 या फिर यामाहा RX 150। पर यामाहा कंपनी ने अभी तक यह कंफर्म नहीं किया है कि RX 155 को लॉन्च करेंगे कि RX 150 को। पर गुड न्यूज़ यह है कि यह बाइक 2022 में इंडियन टू व्हीलर मार्केट में लॉन्च होने वाली है। और इस अपकमिंग मॉडल के लुकिंग एंड डिज़ाइन की बात करें तो यह बाइक हमें रेट्रो लुक में देखने को मिलने वाली है, जिसकी डिज़ाइन काफ़ी हद तक सिमिलर होगी यामाहा XSR 155 बाइक के। और यामाहा कंपनी के इस न्यू अपकमिंग मॉडल के कुछ फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस लीक हो चुके हैं, जैसे कि इस बाइक में हमें राउंड कट LED हेडलाइट और टेल लाइट देखने को मिलेगी। और इस बाइक में हमें फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी ऑफर किया जाएगा। और उसके साथ ही इस बाइक की ब्रेकिंग ड्यूटी हैंडल की गई है डिस्क ब्रेक के द्वारा। इस बाइक के फ्रंट और रियर दोनों व्हील में हमें डिस्क ब्रेक देखने को मिलता है, और यह डिस्क ब्रेक आता है सिंगल चैनल ABS सिस्टम के साथ। इस अपकमिंग बाइक के सस्पेंशन की बात करें तो इस बाइक के फ्रंट में हमें टेलीस्कोपिक सस्पेंशन और रियर सेक्शन में एडजस्टेबल मोनोशॉक एब्जॉर्बर सस्पेंशन देखने को मिल सकता है। तो ओवरऑल रेट्रो लुक में यह बेस्ट बाइक होने वाली है। तो फाइनली बात करते हैं इस बाइक के इंजन स्पेसिफिकेशंस की। तो इस बाइक का इंजन स्पेसिफिकेशन अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है। या तो यामाहा कंपनी इस बाइक में 155 सीसी का इंजन ऑफर करेगी, जो कि 4-स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल इंजन होगा। और यह इंजन 18 PS का पावर जनरेट करेगा, साथ ही 14 न्यूटन मीटर का टॉर्क भी प्रोड्यूस करेगा। और इस 155 सीसी के इंजन में हमें 6-स्पीड गियर ट्रांसमिशन का ऑप्शन भी देखने को मिलेगा। और यामाहा कंपनी 155 सीसी के इंजन के अलावा 149 सीसी के इंजन का भी यूज कर सकती है। यह इंजन भी हमें सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन देखने को मिलता है, और यह इंजन जनरेट करता है 12 PS का पावर, साथ ही 14 न्यूटन मीटर का पीक आउटपुट टॉर्क। और इन दोनों ही इंजन के ट्रांसमिशन रेशियो में हमें चेंजेस देखने को मिलेगा। 149 सीसी के इंजन में हमें 5-स्पीड गियर बॉक्स ऑफर किया जाएगा। यामाहा कंपनी इन दोनों इंजन में से कोई भी एक इंजन को ऑफर कर सकती है न्यू अपकमिंग बाइक में। और यामाहा कंपनी का यह नेक्स्ट जनरेशन अपग्रेडेबल मॉडल अफोर्डेबल प्राइस रेंज में लॉन्च होने वाला है, और यह मॉडल मे बी फेस्टिवल सीजन्स में लॉन्च होगा या फिर एंड ऑफ 2022 में लॉन्च हो सकता है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि यह वीडियो और यह इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आए। वीडियो को लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।